हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास अग्रवाल, मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। आज मैं आपको मोतियाबिंद या कैटरेक्ट के विषय में जानकारी दूंगा। ये कैसे हो जाता है आँखों में, इसका क्या कारण है होने का, और इसमें कोई दवाइयाँ काम करती हैं कि नहीं, और इसको किस मौसम में कराना चाहिए, इसमें किस तरह की सर्जरी होती है और आजकल किस तरह की सर्जरी की जा रही है, सबके बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। तो आप बने रहिए इस वीडियो पर। हाँ तो फ्रेंड्स, आप एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर, उसमें आपको आईवाल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ह्यूमन आई की एनाटॉमी है, जिसमें ये आंग का हिस्सा कॉर्निया, इसके पीछे जो ये लेंस आपको दिख रहा है ट्रांसपेरेंट, इसको हम लोग लेंस बोलते हैं, और पीछे इसके रेटिना और ये ऑप्टिक नर्व है। तो जो आपको आज मैं मोतियाबिंद के विषय में जानकारी दे रहा हूँ, इसमें क्या होता है कि जो हमारा आँख में ये लेंस होता है, नेचुरल लेंस जो होता है, वो उम्र के हिसाब से हैजी हो जाता है। इसमें धीरे धीरे जाला या सफ़ेदी आना शुरू हो जाती है। तो इस लेंस में जब जाला या सफ़ेदी आ जाती है तो हम लोगों को धुंधला दिखाई देने लगता है, धूप में चमक लगती है, रात में गाड़ी या नाइट ड्राइव करने में परेशानी होती है। तो इस लेंस में जाला आने के कारण हमको धुंधलापन दिखाई देने लगता है। तो जब हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो पूरा आई का चेकअप करके आपको डायग्नोस करता है कि आपकी आँखों में मोतियाबिंद आ गया है या आपके लेंस में जाला आ गया है। हाँ तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि लेंस में ओपेसिटी आ जाती है, जाला आ जाता है। तो कई लोगों की ये क्वेश्चन होते हैं कि आखिर अब सर क्या करना चाहिए, और ये क्या है, क्यों हो जाता है, इसके कारण सर बताइए क्या कारण है। तो इसका एक कारण ये है कि आपका जो एज है, एज के अकॉर्डिंग ये बढ़ता है और धीरे धीरे लेंस में जाला आता है। जैसे बालों का सफ़ेद होना उम्र के हिसाब से, वैसे ही आँख के अंदर जो लेंस पड़ा होता है उसमें धीरे धीरे उम्र के हिसाब से जाला आ जाता है। तो लोग पूछते हैं कि इसमें कोई दवा का प्रयोग करके हम क्या इसको हटा सकते हैं जाले को। तो हमारा कहना ये रहता है कि इसको, मोतियाबिंद को दवाइयों से नहीं ख़त्म किया जा सकता है, केवल इसका ऑपरेशन ही एक उपचार है। तो दवाई का रोल कोई नहीं है, तो अननेसेसरी कोई मेडिकल स्टोर से आप लोग दवा लेके मत यूज किया करें। और मोतियाबिंद के एक दो कारण और होते हैं, जैसे हाई स्टेरॉइड का यूज़ करना, गर्म दवाइयों का यूज करने के कारण भी मोतियाबिंद जल्दी आ जाता है किसी किसी में। जिनकी उम्र कम है उनको भी मोतियाबिंद कोई चोट लगने के कारण आ जाता है, किसी को बाई बर्थ भी होता है। तो मोतियाबिंद कई कारणों से भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में एज रिलेटेड मोतियाबिंद पाया जाता है और इसका मात्र इलाज ऑपरेशन ही है। और भी इसमें कई सवाल पूछे जाते हैं कि मोतियाबिंद में सर्दी में कराना चाहिए ऑपरेशन की गर्मी, सर्दी गर्मी का अब कोई रोल नहीं रह गया है मोतियाबिंद के ऑपरेशन में। आजकल जो लेटेस्ट एडवांस सर्जरी आ गई है, माइक्रो इंसीजन कैटरेक्ट सर्जरी बाई फेको इमल्सिफिकेशन के द्वारा जो की जाती है, और आजकल तो फेमटो लेजर के द्वारा भी सर्जरी की जा रही है, जो बिल्कुल एक्यूरेट और इन्फेक्शन के चांसेस ना के बराबर होते हैं। 10 मिनट भी नहीं लगते हैं सर्जरी में और सर्जरी जल्दी हो जाती है। पहले क्या होता था, पहले टाइम में चीरा बड़ा लगता था और टांके लगाने पड़ते थे, इस कारण से सर्दी में ही ऑपरेशन किए जाते थे। गर्मी में ऑपरेशन करने से ये नुकसान होता था कि वो इन्फेक्शन का खतरा आँखों में बना रहता था, क्योंकि पसीना जा रहा है, धूल धुआं धूल मिट्टी जाती थी, तो उस समय लोगों को बहुत परेशानी होती थी और इन्फेक्शन का खतरा रहता था। अब लेकिन जो लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, वो आपकी आंखों में मोतिया को फेको मशीन के द्वारा ही प्रोब के जरिए तोड़ दिया जाता है और उसको प्रोब के जरिए ही सक कर लिया जाता है। और माइक्रो इंसीजन सर्जरी के द्वारा फोल्डेबल लेंस आजकल डाला जा रहा है, जिससे आँखों में छोटा चीरा लगता है 2 से 4 mm का। और आजकल जो ऑपरेशन में लेंस यूज किए जाते हैं वो 3-4 तरह की यूज किए जाते हैं, जिसमें पहला है मोनोफोकल लेंसेस, ट्राईफोकल या मल्टीफोकल लेंसेस, और एक टोरिक लेंस जिसमें कि सिलेंड्रिकल पावर किसी की होती है ज़्यादा, तो उसमें भी टोरिक लेंस का यूज किया जाता है। तो
जो आजकल इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं उनको हम लोग मोनोफोकल लेंसेज बोलते हैं। मोनोफोकल लेंसेज आप जब भी यूज करें अच्छी कंपनी का लेंस डलवाएं, जिसमें कि जो इंडियन लेंसेज हैं उसमें अप्पा का और बायोटेक कंपनी के लेंसेज अच्छी क्वालिटी के हैं। बाकी भी इंडियन लेंसेज हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं, 8,000 से लेके 10,000, 12,000, 15,000 तक भी इंडियन लेंस फेको टेक्निक के मिल जाते हैं आजकल इंडिया में। और इम्पोर्टेड लेंस थोड़े से बाहर इंटरनेशनल लेंसेज महंगे आते हैं, जिसमें एल्कॉन कंपनी के लेंस भी अच्छे हैं, जैस है, नाइटेक है और जॉनसन जॉनसन कंपनी के भी लेंस सुपीरियर हैं। और आजकल एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम लोग फेमटो लेजर सर्जरी कहते हैं। इसमें जो इंसीजन दिया जाता है 2 से 4 mm का थ्री एरियाज में, वो लेजर के द्वारा ही इंसीजन दिया जाता है। और जो आंख में कैप्सूल होता है 4 से 5 mm का जो हम लोग सेंट्रल होल करते हैं, वो उसी लेजर के द्वारा ही कैप्सूल में छेद किया जाता है, एंटीरियर कैप्सूल में लेंस के। और जो अंदर न्यूक्लियस होता है उसको ही न्यूक्लियस को फेमटो लेजर के जरिए ही तोड़ दिया जाता है कई भागों में। और एक खास प्रोब के जरिए पूरा लेंस का न्यूक्लियस टुकड़ों में सक कर लिया जाता है, जिससे कि ये सर्जरी फास्ट होती है। और इसमें जो कॉर्निया की नीचे की लेयर में एंडोथेलियल सेल्स हैं उसमें भी डैमेज होने का खतरा कम रहता है। और जन्यूल्स जो हमारे लेंस के सपोर्टिंग जन्यूल्स होते हैं उनको भी हानि कम पहुंचती है। तो कोशिश करें फेमटो लेजर सर्जरी कराने की, जिससे आपकी आंखों में काफ़ी आराम रहे। और सिलेंड्रिकल पावर चश्मे का ना के बराबर आता है फेमटो लेजर कराने से। और आज के टाइम में जितनी भी सर्जरी हो रही है वो टॉपिकल एनेस्थीसिया के द्वारा हो रही है, जिसमें कि चीरा टांका कुछ नहीं लगता है, सेल्फ हीलिंग होती है लेजर में तो। और बाकी फ्लूड के जरिए MICS फेको एमल्सिफिकेशन में फ्लूड के जरिए इंसीजन को बंद कर दिया जाता है। तो आजकल टांका लगाने की किसी भी मोतियाबिंद के ऑपरेशन में आज के समय में ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये बहुत जल्दी रिकवरी होता है। जो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, टॉपिकल ड्रग्स देते हैं, ओरल दवाइयां देते हैं, वो समय पे लीजिए। और कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, जैसे कि आपको वेट वजन नहीं उठाना है, उस करवट सोना नहीं है, और भी कई सारी चीज़ें जैसे आँखों में पानी के छींटे नहीं देने हैं, कुछ टाइम के लिए नहाना नहीं है, आँखों में पानी नहीं जाना चाहिए, और बच्चों से थोड़ा दूरी बनाए रखिए कि अचानक से कोई खिलौना या कोई चीज़ वो आपकी आँखों में ना मार दें। तो थोड़ी सी एहतियात बरतने हैं कुछ समय के लिए। आँखों को रगड़ना नहीं होता है और हैवी एक्सरसाइज कोई नहीं करनी होती है 1 महीने 1.25 महीने तक। और आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि आपके ऑपरेशन के बाद आपकी आँखों में लाली, सूजन या दर्द जैसी कोई परेशानी होती है तो अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को जाकर जरूर दिखाइए। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सर ये बताइए कि जो आँख में लेंस पड़ता है, कोई लेंस 5,000 का, कोई 8,000 का, कोई 15,000 का, कोई 25,000 का, कोई 30,000 का, तो क्या सर उसकी कोई लाइफ होती है कि ज़्यादा महंगा लेंस लगवाने से वो ज़्यादा दिन चलेगा कि कम खर्च करने से कम दिन चलेगा? तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लेंस आँखों में डाला जाता है वो लाइफ टाइम के लिए होता है, जब तक आप हैं, जब तक आपकी आँख में वो लेंस रहेगा। तो ये भ्रांतियाँ हैं, तो इनको आप अपने अंदर से हटा दीजिए। चाहे आप लेंस 5,000 का डलवाएं, 8,000 का, वो लाइफ टाइम ही रहेगा। और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, कई लोगों के आँखों में ऑपरेशन के बाद जाला की शिकायत आ जाती है, या ऑपरेशन के तुरंत बाद तो अच्छा दिखाई देता है लेकिन 6 महीने या 1 साल बाद उनको उस आँख से धुंधला दिखाई देने लगता है। तो इसका एक कारण ये है कि जनरली कहीं कहीं पे हाइड्रोफिलिक लेंसेज का यूज़ किया जाता है, तो इस कारण से पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिटी, जहाँ पे लेंस डाला जाता है उसके पीछे की झिल्ली में एक ग्रोथ सेल्स होते हैं, उसमें ओपेसिटी आ जाती है या जाला आ जाता है। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, वो एक लेज़र होता है, छोटी सी प्रोसेस है, उसको एंडी याग लेज़र बोला जाता है। उसके द्वारा उस लेज़र से उसकी सफाई कर दी जाती है
और कुछ टाइम बाद आपको फिर से साफ दिखने लगता है। तो कोशिश करें आप अपनी आंखों में हाइड्रोफोबिक लेंस का ही यूज करें और डॉक्टर से कहें कि डॉक्टर साहब मेरी आंखों में आप हाइड्रोफोबिक लेंस का यूज करें, वो भी अच्छी क्वालिटी का, जिससे कि मुझे कोई जाले की शिकायत बाद में ना आए। तो आज हो सकता है आप लोगों को कुछ मोतियाबिंद के विषय में कुछ जानकारी अच्छी मिली हो। अगर आपको मोतियाबिंद या उससे रिलेटेड कोई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप या इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चैनल पर नए हों तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें।